मैं हूं वरुण। दोस्तों आज मैं बात करूंगा MI के उन स्मार्टफोन्स के बारे में जो 15,000 रुपए से नीचे की रेंज में उपलब्ध हैं और ये 15,000 रुपए से नीचे के सबसे बेस्ट MI के स्मार्टफोन हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था लेकिन ये नया वीडियो है और वो वीडियो में जो मैंने फ़ोन्स रिकमेंड किए थे वो अब पुराने हो चुके हैं। नए बहुत सारे फ़ोन्स MI ने लॉन्च किए हैं इस रेंज में, तो इस वीडियो में मैंने 3 MI के स्मार्टफोन सेलेक्ट किए हैं जो नए स्मार्टफोन हैं और साथ ही इनमें जो स्पेसिफिकेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और देखते हैं कौन कौन से हैं ये MI के 3 स्मार्टफोन्स 15,000 रुपए से नीचे की रेंज में। सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉक चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले। तो दोस्तों MI के 3 स्मार्टफोन्स 15,000 से नीचे के रेंज में और ये तीनों बेस्ट है इस रेंज के। शुरुआत करूंगा मैं तीसरे नंबर से। तीसरे नंबर पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों MI का वो है Redmi Note 9 Pro। ये स्मार्टफोन तीसरे नंबर पे है और ये तीसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 से नीचे की रेंज में। दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.67 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है और ये एक फुल HD प्लस डिस्प्ले है। दोस्तों ये प्रोटेक्ट होता है गोरिल्ला ग्लास 5 से। प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है दोस्तों वो है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G। 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज और 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के दो वेरिएंट में ये स्मार्टफोन अवेलेबल है। और दोस्तों इसमें जो कैमरा है रियर साइड का वो एक क्वाड कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसकी 5020 mAh की है और ये चार्ज होती है 18 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ये आता है और इसमें फेस अनलॉक फीचर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन डुअल सिम को सपोर्ट करता है और Redmi Note 9 Pro हमारे इस लिस्ट का तीसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है Xiaomi का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरे नंबर पर कौन सा स्मार्टफोन है। दूसरे नंबर पर जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है Redmi Note 10। ये स्मार्टफोन दूसरा सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 से नीचे के रेंज में और ये आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों इसका जो डिस्प्ले है 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। गोरिल्ला ग्लास 3 से ये प्रोटेक्ट होता है। साथ ही इसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 678 है। दोस्तों दो वेरिएंट में ये उपलब्ध है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, साथ ही 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। रियर कैमरा इसका क्वाड कैमरा है जिसमें प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। साथ ही फ्रंट कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल का है। बैटरी इसकी 5000 mAh की है और ये चार्ज होती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। और ये भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, डुअल सिम ये सपोर्ट करता है। अगर कंपेयर करेंगे इसको Redmi Note 9 Pro से जो कि तीसरे नंबर पे है तो हम पाएंगे कि इसमें AMOLED डिस्प्ले है। साथ ही जो चार्जर है 18 वाट का था Redmi Note 9 Pro में, इसमें 33 वाट का है। और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन का यानी Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 10 का जो AnTuTu स्कोर है वो सेम ही है। Redmi Note 9 Pro का जो AnTuTu स्कोर है वो 274,000 है और Redmi Note 10 का जो AnTuTu स्कोर है वो 277,000 है। तो लगभग सेम ही स्कोर है AnTuTu स्कोर, यानी दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सेम रहेगी। और इसमें आपको Redmi Note 10 में AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, साथ ही फास्ट चार्जर मिलेगा और इसीलिए मैंने Redmi Note 10 को नंबर 2 पे रखा है। अब नंबर 1 पर चलते हैं। नंबर 1 पे जो स्मार्टफोन है दोस्तों वो है Redmi Note 10S। रिसेंटली ही ये लॉन्च हुआ है और ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 रुपए से नीचे के रेंज में Xiaomi का। तो दोस्तों Redmi Note 10S आता है कुछ इन स्पेसिफिकेशंस के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले इसका 6.43 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है और ये एक FHD डिस्प्ले है। दोस्तों इसका भी जो डिस्प्ले है वो AMOLED डिस्प्ले है और प्रोसेसर जो इसमें लगा हुआ है वो MediaTek का Helio G95 है। दो मेमोरी वेरिएंट में ये आता है, पहला है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा है 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज। दोस्तों इसका कैमरा जो है वो क्वाड कैमरा है लेकिन प्राइमरी सेंसर इसमें 64 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा दोस्तों इसमें 13 मेगापिक्सल का है और बैटरी इसमें जो लगी हुई है वो 5000 mAh की है और ये चार्ज होती है 33 वाट के फास्ट चार्जर के थ्रू। तो दोस्तों इसको मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। इसका AnTuTu स्कोर जो है Redmi Note 10S का वो 321,000 के लगभग है। और दोस्तों इसमें 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिल रहा है रियर कैमरे में और साथ ही इसमें आपको 6GB रैम भी मिलेगा। तो कंपैरेटिवली ये सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 रुपए से नीचे की रेंज में MI का।
तो अगर आप MI के स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, रेंज आपका 15,000 रुपये तक का है, तो Redmi Note 10S सबसे अच्छा स्मार्टफोन है। इसकी परफॉर्मेंस इस रेंज में सबसे बेस्ट है और जो हार्डवेयर मिल रहा है इस कॉस्ट पे वो सबसे बेस्ट है MI का। तो दोस्तों ये थे 3 स्मार्टफोन्स MI के 15,000 रुपये से नीचे की रेंज में। तीनों में से आप कोई भी स्मार्टफोन सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप कंपेयर कीजिएगा इन तीनों स्मार्टफोन्स को, तो Redmi Note 10S सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है इन तीनों में। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को रैप अप करते हैं, मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस ब्लॉग को देखने के लिए धन्यवाद।